हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसका सेकंड पार्ट में कहा है क्वाड्रिलेटरल JUMP, जिसमें JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल जंप। ठीक है, लेट ये हमारा JUMP, ये हमारा एक रफ फिगर हो गया। JU कितना है? 3.5, तो ये हो गया 3.5। UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन PU दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ फिगर हो गया। अब अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ चारों साइड्स जो है वो दे रखी हैं और एक डायगोनल दे रखा है। ये केस जो है सबसे आसान होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले आप ड्रॉ करो डायगोनल। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद फिर क्या है, एक साइड का ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, फिर इसे बेस लेते हुए दूसरी साइड का ट्रायंगल कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है डायगोनल, तो हम PU बनाते हैं 6.5, तो ये हो गया 0 to 6.5। ओके, तो ये हो गया हमारा P और ये U, दैट इज 6.5। अब आप P को, जैसे हमने क्या किया, हमने बना लिया PU। ठीक है, अब P को है सेंटर लेकर के और 5 सेंटीमीटर ओपन करके, ठीक है, क्या करें, एक आर्क कट कर देना इस तरह से। ठीक है, फिर U पर रखेंगे यहाँ और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे, तो ये प्रीवियस जो आर्क लगी है उसको कट कर देगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से इस तरफ में हम P को सेंटर लेकर के 4.5 सेंटीमीटर ओपन करें और एक आर्क लगा दें, फिर U पर रखकर 3.5 का एक आर्क इस तरह से यहाँ रख, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। इसे यहाँ देख, P से 5 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, P पर रखें और ये हमने एक आर्क दे दिया। ठीक, अब U पर रख करके कितना करना है, 4, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने U पर रखा और इसे कट कर दिया, तो इसने अपने प्रीवियस आर्क को यहाँ पर कट कर दिया, तो ये हो गया हमारा M पॉइंट। ठीक है, अब पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, M से P ये ज्वाइन कर दिया, M से U ये ज्वाइन कर दिया। अब इस तरफ का तो हो गया, अब इस तरफ का बनाना है फिगर, तो P पर निडल रख करके 4.5 का आर्क। ठीक है, ओके, देखिए 4.5 ओपन किया हमने। ठीक है, और P पर रख करके एक आर्क कट किया। ठीक है, अब U पर रखना है, 3.5 का आर्क देना है, तो ये हो गया आपका 3.5, U पर रखा और कट कर दिया। ठीक है, इस आर्क को हम थोड़ा सा और बढ़ा लें। ठीक है, तो इसने इसे यहाँ पर कट किया है, इट मीन्स ये हो गया हमारा क्या, J। अब P से J को आप ज्वाइन कर दीजिए, और U से J को। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने PU ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ PU कितना, 6.5 सेंटीमीटर। इस पर हम पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर,
ये है 4 सेंटीमीटर, ये बनाया था 3.5 सेंटीमीटर एंड दैट वॉज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हमने क्या किया, पी को सेंटर लेते हुए 5 सेंटीमीटर के लिए एक आर्क दिया है, तो विथ पी एज अ सेंटर एंड रेडियस, रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद हमने क्या किया, यू को सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया, तो थर्ड हो जाएगा विथ यू एज अ सेंटर एंड रेडियस, रेडियस क्या लिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, क्योंकि जब आप ये वाला आर्क खींचेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा पहले वाले को, प्रीवियस आर्क को। ठीक है, तो ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट, किस पर, एट एम। ओके, फोर्थ, फोर्थ हमने क्या किया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, यानी पी एम और एम यू को ज्वाइन किया, तो हम लिखेंगे ज्वाइन पी एम एंड यू एम। ओके, तो आधा फिगर तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद पी को सेंटर लेते हुए 4.5 का आर्क लिया। ठीक है, तो फिफ्थ, विथ पी एज अ सेंटर एंड रेडियस, व्हाट इज रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ ये आर्क हमारा ड्रॉ हो गया, फिर हमने यू सेंटर लेते हुए 3.5 का आर्क लगाया, जिसने इस प्रीवियस आर्क को यहाँ जे पर कट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, विथ यू एज अ सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट जे। ठीक है, तो विथ यू एज अ सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट, किसके ऊपर, जे पर। ठीक, फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने पी जे को मिला दिया और यू जे को मिला दिया, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। ठीक है, जॉइन पी जे एंड यू जे, सो जे यू एम पी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।